Please subscribe the channel and press the bell icon and don't forget like and share. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारा स्टडी में। दोस्तों आज हम सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली सारे वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आज के हमारा हम टॉपिक जनरल साइंस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की आयु का पता कैसे लगाया जाता हैगा तो आपका आंसर क्या होगा, उसका आपका आंसर होगा यूरेनियम काल निर्धारण से इसका पता लगाया जाता है। पृथ्वी की आयु का पता कैसे लगाया जाता हैगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यूरेनियम काल निर्धारण से इसका पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पशुओं की अस्थियों एवं दांतों में होता है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि पशुओं की अस्थियों एवं दांतों में होता है तो क्या होता है दोस्तों, उसमें कैल्शियम होता है एवं फास्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम और फास्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम और फास्फेट होता है। पशुओं की अस्थि एवं दांतों में होता है क्या होता है यदि आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कैल्शियम एवं फास्फेट होता हैगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हेमेटाइट से प्राप्त धातु है, जो हेमेटाइट होता है दोस्तों वो किस से प्राप्त होता है, किस धातु से प्राप्त होता है तो आपका आंसर क्या होगा, लोहा उसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, लोहा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल का आयतन निम्नतम होता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि जल का आयतन निम्नतम किस टेम्परेचर पर होता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे ये निम्नतम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन क्या था। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की आयु का पता किससे लगाया जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम काल निर्धारण से इसका पता लगाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि पशुओं की अस्थियों एवं दांतों में होता है तो क्या होता है, कैल्शियम एवं फास्फेट होता है। हेमेटाइट से प्राप्त धातु कौन सी होती है तो यदि आपसे पूछा जाता है तो कौन सी होती है दोस्तों, लोहा होती है। ठीक है, और जल का आयतन निम्नतम होता है किससे, कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सोल्डरिंग आयरन का जो बिट है वो किससे बना होता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि सोल्डरिंग आयरन का बिट बना होता है तो किससे बना होता है, वह तांबे से बना होता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। किससे बना होता है, तांबे से बना होता है। अगला क्वेश्चन है अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्रहण की जाती है। यदि आपका क्वेश्चन आता है कि अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्रहण की जाती है तो क्या ग्रहण की जाती है, हाइड्रोजन ग्रहण की जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाइड्रोफोबिया के टीके का आविष्कार किसने किया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोफोबिया टीके का आविष्कार किसने किया था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लेविस पाश्चर ने किया था। किसने किया था, लेविस पाश्चर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य अवयव है। यदि आपसे पूछा जाता है कि गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीथेन गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि देखिए यदि पूछा जाता है कि सोल्डरिंग आयरन का बिट बना होता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तांबे का बना होता है। और अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्रहण की जाती है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोफोबिया का जो टीके का जो आविष्कार किया था वो यदि ये पूछा जाता है तो किसने किया था, लेविस पाश्चर ने किया था। और गोबर गैस में जो मुख्य अवयव होता है उसमें क्या होता है तो उसमें मीथेन गैस मुख्य अवयव के रूप में होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है। यदि आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन सी है तो इसका आंसर क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्नायु कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नायु कोशिका बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्नायु कोशिका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 की पावर -2 का अर्थ है, 10
10 की पावर माइनस 2 का अर्थ है, तो 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 2 यदि हो तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं सेंटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेंटी बोलते हैंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वेंट्रिकल पाया जाता है, यदि आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में वेंट्रिकल पाया जाता है तो कहाँ पे पाया जाता है भाई, हृदय में पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है हृदय में पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हृदय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बर्नौली का प्रमेय आधारित है, बर्नौली का प्रमेय आधारित है दोस्तों, यहाँ पे आधारित है, ये बर्नौली का प्रमेय आधारित है तो किस पे आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, किस पे आधारित है ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चलिए देखते हैं, मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन सी होती है, तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों स्नायु कोशिका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 2 का अर्थ क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको सेंटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वेंट्रिकल पाया जाता है तो कहाँ पे पाया जाता है हृदय में पाया जाता है। ठीक है, बर्नौली का प्रमेय आधारित है दोस्तों, किस पर आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, किस पर आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा C6H12O6, आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा C6H12O6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर होता है, यदि आपसे पूछा जाता है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.001 mm होता है, कितना होता है 0.001 mm होता है, ठीक है, मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है, यदि आपसे पूछा जाता है कि सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस की इकाई, यदि आपसे पूछा जाता है कि लेंस की इकाई क्या होती है, लेंस की यूनिट क्या होती है, तो क्या होती है दोस्तों डायोप्टर होती है, क्या होती है, क्या होती है दोस्तों डायोप्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि आपसे पूछा जाता है कि लेंस की इकाई क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है लेंस की, तो राइट आंसर क्या होगा डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, चलिए एक बार इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं फिर से, यदि आपसे पूछा जाता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है C6H12O6 होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है दोस्तों, तो होता है 0.001 mm होता है। ठीक है, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा होता है, तो वो होता है सोडियम क्लोराइड होता है, और लेंस की यूनिट क्या है, लेंस की इकाई क्या है, तो वो क्या बोलते हैं इसको डायोप्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है, जो हीरा होता है दोस्तों उसका जो 1 कैरेट होता है वो बराबर कितने के होता है, वो होता है 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, तो राइट आंसर क्या होगा 200 मिलीग्राम होगा। 1 वाट आवर कितना होता है दोस्तों, 1 वाट घंटा बराबर यदि आपसे पूछा जाता है कि 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3.6 × 10⁻³ जूल होता है, कितना होता है 1 वाट घंटा बराबर यदि आपसे पूछा जाता है तो कितना होता है 3.6 × 10⁻³ जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आतिशबाजी में हरा रंग होता है दोस्तों, जो आतिशबाजी होती है उसमें जो हरा रंग निकलता है वो किसके कारण होता है, यदि आपसे पूछा जाता है कि आतिशबाजी में हरा रंग होता है तो किसके कारण होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो होता है बेरियम के कारण होता है, किसके कारण होता है बेरियम के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस विलय है, फास्फोरस विलय, यदि आपसे पूछा जाता है कि इसमें से किसमें फास्फोरस विलय है, तो किसमें विलय होता है CO2 में होता है, किसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड में यह विलय होता है। ठीक है, चलिए इसका एक बार रिवाइज करते हैं इन क्वेश्चनों को, तो देखिए हीरे का 1 कैरेट बराबर कितने का होता है यदि आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 200 मिलीग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपसे पूछा जाता है कि 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है तो कितना होता है 3.6 × 10⁻³
3 जूल होता है। ठीक है, आतिशबाजी में हरा रंग होता है किसके कारण होता है, तो वह होता है बेरियम के कारण उसका हरा रंग होता है। फास्फोरस विलय है, यदि आपसे पूछा जाता है किसमें विलय है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में विलय है। तो दोस्तों ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए, और दोस्तों एक ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम अपना अगला वीडियो जल्दी लाएंगे। थैंक यू।